Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Mr. Dajamur. Students, open your books, page number 100. Write down date and day here. Date is 31st December 2020. C.W is for classwork, and day is Thursday. Today we will start lesson number 18 the moon and the stars. We will the moon and the stars. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेल मी दैट वट डू यू सी इन द स्काई स्काई में यानी कि आसमान पे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं आप दिन के टाइम आसमान पे सूरज देख सकते हैं ठीक है शाम को आपको चांद नज़र आता है जैसे जैसे फिर रात गहरी होती जाती है यू कैन सी मैनी स्टार्स इन द स्काई तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डू द बिहेव एंड वट आर दे या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लेट्स स्टार्ट रीडिंग वी सी द सन द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई ठीक है आसमान पे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं सूरज चाँद और सितारे सूरज चांद और सितारे द मून इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट उनमें जो सबसे छोटा है वो है मून और सबसे करीब मतलब हमारे प्लानेट अर्थ के सबसे करीब इन तीनों चीज़ों में से सन मून और स्टार्स तीनों चीज़ों में से सबसे नियरेस्ट कौन सा वाला है दैट इज़ मून साइज में छोटा ठीक है सन और स्टार से बहुत छोटा है मून साइज़ में और उसका डिस्टेंस हमारी ज़मीन से बहुत कम है दैट वी कैन से दैट द मून इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट बट इट इज़ मच फारदर दैन द क्लाउड्स बट स्टिल ये इतना नज़दीक नहीं है जितने नज़दीक क्लाउड्स बनते हैं हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है ना द वाटर साइकिल में कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं क्लाउड्स आर फॉर्म बेसिकली नियर द ग्राउंड मतलब वो हमारी अर्थ के करीब हैं अगर हम क्लाउड्स और मून को कंपेयर करें इनके डिस्टेंस को तो मून क्लाउड्स की नस्बत बहुत दूर है ठीक है सन और स्टार्स की नस्बत मून हमारी अर्थ की नियरेस्ट है लेकिन क्लाउड्स की नस्बत वो बहुत दूर है द मून डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट चांद की जो रोशनी हमें नज़र आती है समटाइम्स जब आ, पूरा चांद निकलता है और उसकी चांदनी हर तरफ फैली होती है तो वो बेसिकली उसकी अपनी लाइट नहीं है ठीक है लेकिन हमें वो इतना शाइनिंग इतना ब्राइट क्यों नज़र आता है क्योंकि वो सन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ठीक है द मून does नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट इट shines when द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट वो कैसे शाइन करता है सूरज की रोशनी जिस तरह हमारे प्लानट अर्थ पर पड़ती है इसी तरह से चांद पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है ठीक है तो जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चाँद क्या करता है वो शाइन करता है दैट्स वाई uh, हमें लगता है कि मून जो है वो रोशन है वो ब्राइट है वो शाइन कर रहा है बेसिकली उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती जस्ट लाइक आवर अर्थ जैसे हमारी जमीन की अपनी कोई लाइट नहीं है जमीन कैसे रोशन होती है विद द हेल्प ऑफ सन लाइट ठीक है सनलाइट अगर नहीं होगी तो क्या होता है जैसे रात को अगर सूरज गुरुब हो जाता है जिस टाइम पर रात को तो क्या होता है हर तरफ अंधेरा होता है ना अगर हमारी अर्थ की अपनी लाइट होती तो क्या अर्थ पर कभी अंधेरा होता कभी भी नहीं अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं होती अर्थ जिस तरह सन सन से लाइट लेती है बिल्कुल इसी तरह मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती मून कब शाइन करता है जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है ठीक है हियर यू कैन सी मून इन दिस पिक्चर और नेक्स्ट कम वर्ड सन द सन इज़ वेरी फार अवे सन यानी कि सूरज हमारी ज़मीन से बहुत दूर है इट इज़ मच बिगर देन द मून एंड द अर्थ इसका साइज़ चाँद और ज़मीन दोनों की निस्बत बहुत बड़ा है ठीक है इट गिव्स अस हीट एंड लाइट हाउ सन इज़ इम्पॉर्टेंट अस सन से हमें लाइट मिलती है और हमें हीट मिलती है ठीक है अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा हर तरफ अंधेरा छा जाएगा कोई लाइट नहीं होगी हम कोई चीज़ देखने के काबिल नहीं होंगे प्लस हमें जो हीट मिलती है लाइक like हम अपने आप को वार्म रख सकते हैं जैसे अभी विंटर सीजन है तो हमें धूप बड़ी अच्छी लगती है ना और ये सन लाइट की वजह से सन हीट की वजह से पॉसिबल है कि हम अपने आप को वार्म अप रख सकते हैं तो वो हीट कहाँ से आती है इट कम्स फ्रॉम सन विदाउट द सन द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड एंड डार्क वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन इट अगर सूरज नहीं होता तो ज़मीन क्या होती बहुत ठंडी होती और हर तरफ अंधेरा होता और हम इस पर बिल्कुल मतलब ज़मीन बिल्कुल इस काबिल ना होती कि हम इस पर रह सकते ठीक है हमारी अर्थ पे जो लिविंग कंडीशंस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं एनीमल्स प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स उनमें से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो सन और सन हीट है अगर सन और सन हीट ना होती तो ये अर्थ बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं होती क्योंकि हर तरफ अंधेरा होता और हर तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी होती फ्रीजिंग कोल्ड जैसे कहते हैं ना इफ़ देर वॉज नो सन हीट यू कुड बी लाइक यू कैन से यू कुड बी फ्रीज आप फ्रीज़ हो सकते थे जैसे आइस होती है ना फ्रीज़ हो जाती है जब आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में रखते हो तो वो आइस बन जाता है तो बिल्कुल इसी तरह आइस की तरह आप भी फ्रीज़ हो जाते अगर सन हीट ना होती तो सो आई थिंक सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़